दोस्तों भारतीय टीम दूसरे T20 मैचों में श्रीलंका से हार के भी जीत गया और दोस्तों श्रीलंका को दूसरे T20 मैचों में दिया बहुत ही बड़ा पटखनी। तो दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आखिरकार भारतीय टीम दूसरे T20 मैचों में श्रीलंका से कैसे हार के भी जीत गया। दोस्तों यह जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों भारतीय टीम 3 T20 मैचों की सीरीज खेल जहां पे भारतीय टीम पहला T20 मैच 2 रनों से अपने नाम कर लिया और भारतीय टीम जीत गया और सीरीज में 1-0 से आगे बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों वही भारतीय टीम दूसरे T20 मैचों में श्रीलंका के हाथ से 16 रनों से कड़ाई हार का सामना करना पड़ा। अगर दोस्तों भारतीय टीम की अगर पूरी मैच की बात की जाए तो भारतीय टीम के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए कोई भी खिलाड़ी। दोस्तों भारतीय पहले टॉस जीते पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए पक्ष में अच्छा साबित नहीं हुआ। दोस्तों श्रीलंका उतरे बल्लेबाजी करने तो उनका शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहा। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो दासुन सनाका ने 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली सिर्फ 22 गेंदों में और दोस्तों उनके अलावा कुशल मेंडी ने भी 52 रन बनाए और दोस्तों उसके अलावा चरित असलंका भी 37 रन बनाए और श्रीलंका के पूरा स्कोर 206 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। अगर दोस्तों भारतीय टीम गेंदबाजी की बात करें तो उमरान मलिक ने 3 विकेट नाम किए और जबकि अक्षर पटेल 2 विकेट अपने नाम किए और दोस्तों भारतीय टीम के जीत के लिए 207 रनों का लक्ष्य दिया श्रीलंका की टीम। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और भारतीय टीम का विकेट लगातार गिरती गई। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को संभालने के लिए आए फिर से सूर्य कुमार यादव और दोस्तों उन्होंने 36 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन और लाजवाब पारी खेली और दोस्तों उनके अलावा अक्षर पटेल ने भी 65 रन बनाए 31 गेंदों में और दोस्तों अक्षर पटेल पिछले मैचों में बेहतरीन पारी खेली थी और दोस्तों इस मैच में भी बेहतरीन पारी खेली थी भारतीय टीम के लिए। लेकिन दोस्तों उनके अलावा शिवम अभी 26 रन बनाए और दोस्तों उनके अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका गेंदबाज के सामने नहीं टिक पाए। और दोस्तों अगर श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो दासुन सनाका और अंजिता और मधुशंका ने 2-2 विकेट अपने नाम किए और दोस्तों यह 3 गेंदबाज जो कि अपने 2-2 विकेट इस मैच में हासिल किए। अगर दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो दासुन सनाका जो कि श्रीलंका के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है जो कि 2 विकेट अपने नाम किए थे 4 ओवर के स्पेल में और वहीं पे 56 रन भी बनाए थे सिर्फ 22 गेंदों में। और दोस्तों भारतीय टीम यह मैच 16 रनों से हार और भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बराबरी हो गई है और दोस्तों ऐसे में भारतीय टीम तीसरा T20 मैच में करो या मरो का मैच होने वाला है क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम और श्रीलंका टीम दोनों 1-1 पॉइंट से अपनी तीसरे T20 मैचों में जीत कर सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इसे आप लोग क्या रहा है कि भारतीय टीम तीसरा T20 मैच जीत पाएगी या नहीं, अपने कमेंट में जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।